सभी को स्नेह वंदन। विद्यालय विद्या का मंदिर है और उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है। सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माँ सरस्वती की वंदना में मेरे साथ शामिल हों। या कुंदे विद्यालय के संस्थापक श्री सुरेंद्र सिंह जी को एवं उनकी सहभागिनी भाव्या श्रीमती वीएस सिंह को सादर नमन करती हूँ। असीम सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक हॉर्नर कॉलेज की उस पवित्र भूमि को नमन करती हूँ जो हम सबकी कर्म भूमि है। हॉर्नर कॉलेज के देदीप्यमान प्रतिष्ठा और उसने आपकी शिक्षा एवं अपने कार्य के प्रति निष्ठा को मैं सादर नमन करती हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छाव में यह विद्यालय फल फूल रहा है, ऐसी कृतज्ञता अभिभूति दृढ़ निश्चय स्नेही एवं जीवन सौंदर्य की तारकी माननीय प्रधानाचार्य जी को मैं सादर नमन करती हूँ। अपने परिश्रम और लगन से सींचने वाले अपने विद्यालय के श्रेष्ठ जनों को मैं सादर नमन करती हूँ। आज हम सब अपनी सह संस्थापिका श्रीमती वीएस सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी स्मरण एवं उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। श्रीमती सिंह कठोर परिश्रमी एवं शिक्षाविद थी। उनका मानना था कि शिक्षा सभी के लिए हो, शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। इसलिए उन्होंने बिना किसी भेदभाव के इस विद्या के मंदिर में सभी को प्रवेश दिया। कर्म को सदैव पूजा मानने वाली ऐसी दिव्यात्मा की पुण्यतिथि पर हमारे विद्यालय के कर्म योगियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आज सम्मानित किया जाता है। अधिक विलंब न करते हुए मैं अपनी सहयोगी उप प्राथमिक विभाग की प्रभारी कुमारी हिना शुक्ला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे श्रीमती सिंह के जीवन पर प्रकाश डालें और अपने भाव व्यक्त करें। मॉर्निंग एवरीवन। मिसेस वीएस सिंह वाज बोर्न ऑन 30th August 1929। शी इज आवर बिलव्ड को-फाउंडर एंड गाइडिंग स्पिरिट ऑफ हॉर्नर कॉलेज। शी वाज एन एलुमनाई ऑफ लालबाग गर्ल्स as well as Isabella Thurman College, Lucknow. She shared the vision of education for all and was an intrinsic part of the founding of Hoerner College. She believed most strongly in education being the right of all individuals. She received many honors and awards. She passed peacefully in her sleep on 5th October 2012. Ma'am, you will always be missed. Thank you all. जिस प्रकार सूरज और चंद्रमा अपने कार्य में लगे रहते हैं, उसी प्रकार हमारी प्रधानाचार्य सदैव कर्मरत रहती हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता है। उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण को के भी जीवन का उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म मैतन का।
इन्हीं पंक्तियों के साथ ही मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि श्रीमती वी एस सिंह को अर्पित करें। जब आग सच जुगाड़ सच मैं भी
Good morning, everyone. Today I'm going to read a word from the Bible, and in James 1, 17 and 18 says, every good and a perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be kind of first fruits of all the created. Thank you. संसार कर्म क्षेत्र है, हमारा कर्म स्थल है। अपने कर्मों से ही हम जाने जाते हैं। कर्म ही हमारा जीवन है। कर्म की विशेषताओं से ही हाड़ मांस के पिंजरे में बंद मनुष्य का जीवन अपनी सत्ता का आभास कराता है। अतः कर्म की सत्ता ही सब प्रधान है, क्योंकि उसी से ही हमारी पहचान है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मशील व्यक्ति ही सुखों का भोग कर सकता है, अकर्मण्य व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होते। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म या पुरुषार्थ के आगे कोई चीज असंभव नहीं है। पुरुषार्थ में ही हमारा कल्याण निहित है। जीवन की सुंदरता इसे जीने में है, भोगने में नहीं। किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बाहरी आवरण से नहीं की जा सकती है। इसी वाक्य को चरितार्थ करता हुआ प्रस्तुत है हमारा यह एक लघु नाटक, जिसे हमारी शिक्षिकाएं प्रस्तुत करने जा रही हैं। Okay, ma'am.
have completed all my work. Now, I think I should go and directly show it to Principal Ma'am. Nikhil, I have purchased this saree. How? Ma'am, how are you? I'm fine. Okay. Okay, let me see. Okay, I'm coming. Very good, Sakshi. Thank you, ma'am. Very impressive work, I must say. Well done. I'm coming, ma'am. Come in, Urshila. How are you? Good morning. Yes, Urshila. Very good, Urshila. I must say the teachers are doing really hard. Very good. Urshila, she's also doing quite well. And I'm really happy that she's working so hard. Very nice report made by Sakshi. Well done. Hey, listen. Sakshi was the principal. What? Yes, she was there. What she was doing here? She was talking with Sakshi. I think she is doing buttering. Always. Next day. Hello, ma'am. Hello, Sakshi. I'm fine. Are you fine today? Yes. So, did you go to the doctor? Yes. Sorry, you feel better today? Yes, I'm feeling better. And thank you so much for yesterday. Thank you. And you helped me a lot. Now, anytime. Thank you so much. Oh, yes, thank you. Sorry. Let's see what you're doing together. Thank you, ma'am. Good morning. Today I was not feeling well and she helped me a lot. I think you are wrong. She is very nice girl and helpful. I don't think so. No. She is really very nice. Yes. Maybe, but I don't know. She is smart. No, Monica, you are wrong. No. I can't say. She is really very nice. No. Yes, sir. Please, can you hold this?
He's very nice guy. You should not judge a book by its cover. It's not, yes. Sakshi, you can bring your chair here. Yes, Sakshi, you can come. और मैं ये व्यक्ति भी पर छुप जाते जैसे चार, पूछो इनका नाम
मैंने हरा भरा करते दिन भर काम, उम्र बड़ी है पर कभी ना आती आने इनके काम, पूछो तो जाने। घंटी की धुन सुनकर भागे छोड़कर सारे काम, घंटी की धुन सुनकर भागे छोड़कर सारे काम, पहले ऑफिस बाद में दूजा काम, पर करती शाम ऑफिस सारा काम। वाहन चलाने में कुशल है पर विद्यालय में दिखते जैसे एक का चार, चारों दिशा सभी रास्ता का है इनको ज्ञान, पूछो तो जाने। सबसे प्यारी सबसे सयानी बच्चों की है ये दादी नानी, रखती प्रेम से उनका ध्यान, समय समय पर आए सबके काम, कौन ही इंसान जो तो जाने। बातों की सच्ची काम की पक्की, हंसती खिलखिलाती सबके मन को भाती, सब वर्षों से तत्पर सबको मन को भाती, मुझे तो जानो कौन है इंसान। काया से है दुबली पुतली, भाषा पर है बड़ी सुनी, करती है सबका सम्मान, आती सबके काम, मुझे तो जाने इनका नाम। प्रहरी है सशक्त जैसे सीमा पर जवाब, इसकी तीखी नजरों से बचता ना कोई इंसान, पूछे नाम पता मोबाइल तब करने दे प्रवेश निकास, नापे सबका तापमान, बूझो तो जाने। अब हमारी शिक्षिकाओं द्वारा एक मधुर गीत की प्रस्तुति की जाएगी। Yeah.
विद्यालय की प्रगति में योगदान दिया है। अतः अब मैं अपनी माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा इन कर्मयोगियों को सम्मानित करने की कृपा करें। सबसे पहले हम अवार्ड्स के साथ चलेंगे। अवार्ड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, बेस्ट इंस्पेक्ट्रेस, बड़ा मुश्किल होता है, दो हैं उसमें से एक को चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। मिस अर्शी फातिमा खान, सॉरी अर्शी फैज खान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीजेंस अवार्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब जो इंसान अपना काम बिल्कुल दिल लगा करके करता है, बिना किसी प्रश्न के करता है, वो इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मिसेस लिजी जॉन, हु इज आवर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मिसेस लिजी जॉन, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। ब्रेनैक अवार्ड, ब्रेनैक अवार्ड जिसका दिमाग खूब चलता है तेजी से, जोर शोर से, और हमारे सारे ऑनलाइन कंप्यूटर ईआरपी सारा सामान काम संभालने के लिए मिस्टर हिमांशु श्रीवास्तव। एक्सेप्शनल टेन्योर अवार्ड, अब ये समझ पाए तो समझ जाए, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो मेरे साथ अब बहुत सालों से है, मेरी मदर के टाइम पर भी शायद तब आए ही आए थे शायद, और ये इंसान आप ये समझ लीजिए, अगर मैंने रात के 12 बजे इसको फ़ोन किया और मैंने कहा बॉस मुझे ये प्रॉब्लम है, उसी मिनट ये मेरे घर के सामने आपको खड़े मिलेंगे। या रात को स्कूल से खबर गई कि सर बत्ती ऑन है, तो वो रात के 12 बजे हों चाहे 1 बजे हों, तुरंत उठेंगे और चले आते हैं, कहना नहीं पड़ता है, किसी तरीके का एहसान नहीं जताते हैं, किसी भी समय कोई भी काम बताइए तत्पर रहते हैं, और आज से नहीं सालों से रहे, और ये इनका कंटिन्यूस तरीका है। मिस्टर राकेश सिंह, एक्सेप्शनल टेन्योर अवार्ड। स्टैंड आउट परफॉर्मर, यानी एक इंसान जो तत्पर बहुत मेहनत से काम करता रहा, और ये पैंडेमिक टाइम है, इतना डिफिकल्ट टाइम है, इसमें कम्युनिकेट करने के लिए, इसमें बैठ करके एक एक चीज़ें चेक करने के लिए, कभी चीज़ें सामने हैं, कभी चीज़ें सामने नहीं हैं, कभी आपको गुप्त रूप से काम करना है, और ये इंसान जो है ये मेरे काउंसिल का भी सारा काम करता है, यानी कि काउंसिल के संग जितनी भी हमारी वार्तालाप होती है उसमें उनके भी ऑनलाइन में काम करना, लिस्ट चढ़ाना, ये सारे काम, और काउंसिल के काम ढेरों काम होते हैं। उसके चलते मिसेस पूजा अग्रवाल, फॉर बीइंग द स्टैंड आउट परफॉर्मर एंड बीइंग अ वेरी वेरी गुड एंड डिलिजेंट परफॉर्मर एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव टू से, मैं इसको बस इशारा करती कि यार ये एजेंडा बनाना है, एंड आई नो इट्स एजेंडा बन के आ जाएगा। लिखने में इनका बहुत टैलेंट है, एक्सेलेंट रिपोर्ट राइटर शी डज, सो पूजा थैंक यू सो मच। अब आती है बारी हमारी चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। मुझे ये चतुर्थी श्रेणी शब्द अच्छा नहीं, तो इसलिए मैंने इस शब्द को अपने शब्द कोश से हटा दिया, और मैं मान के चलती हूँ इनको एज ए सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, मतलब सहकारी स्टाफ, ठीक। चतुर्थी श्रेणी कहने से ही मैंने आपको कहीं आपकी पत्नी कम कर दी है, तो ये हमारे सहकारी स्टाफ हैं। इनके अवार्ड्स हैं आयरन मैन, यानी कि
लोहे वाला आदमी, लौह पुरुष, वो है शिवनाथ भैया। आइए अपना वोट दीजिए। रनिंग मैराथन कौन दौड़ता रहता है पूरे टाइम? एक ही बंदा हमें दिखता है दौड़ लगाते हैं, पूरे समय दौड़ लगाते हैं। एनी गेसेस? अनिल भैया दौड़ दौड़ के काम करते हैं, छुट्टी नहीं है, लेकिन ये पूरे दिन दिखते रहते हैं और पूरे दिन दौड़ लगाते हैं। थैंक यू अनिल भैया। डिटर्मिंड एम्प्लॉय, डिटर्मिंड कैसे? इनकी ड्यूटी तो मेरे ऑफिस की है, मत्ता क्या ना करता। सुनीता जी जो काम करती हैं, जितना काम करती हैं वो बहुत अच्छे से करती हैं। सुनीता जी हेल्पिंग हैंड अवॉर्ड, इनको हम कहीं भी फिट कर लेते हैं, हमें जहाँ काम पड़ता है बुला लेते हैं, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मंजू दीदी इज्जत इस बात की है कि इनकी उम्र बहुत है, ये ऑलरेडी रिटायरमेंट क्रॉस कर चुकी है एज, लेकिन हमारे साथ है क्योंकि ये कहती है कि दीदी जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक हम काम करेंगे। सुमन दीदी थैंक यू सो मच। आई वुड रिक्वेस्ट शिवनाथ भैया, गुड़िया दीदी, धन्यवाद आप सभी का। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी सभी आचार्यों में प्रमुख, कहने को तो प्रमुख होती है, कठिन परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, दूरदर्शी होती है, परंतु इनके कार्य की ज्यादातर अनदेखी होती है, इनके कार्य की सराहना भी बहुत कम ही होती है। अन्य शिक्षक स्टाफ और विद्यार्थियों की सफलता में इनकी अद्भुत भूमिका होती है, ये बहुत अच्छे कुशल नेतृत्व वाले होती हैं। इस अद्भुत प्रतिभावान प्रधानाचार्य, जो हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, वो अद्भुत प्रतिभावान हैं। जिस प्रकार किसी जहाज का भाग्य उसके कप्तान पर निर्भर करता है, ठीक यही बात स्कूल के संबंध में है, उसकी सफलता और विफलता उस विद्यालय की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य पर निर्भर करती है। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैम हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों को आपने सफल बनाने में, यानी हमारे विद्यालय में चाहे वो ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रभारी विभाग हो, बहुत सारे लोगों की सफलता में आपने अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि कार्य हम करते हैं लेकिन उसके पीछे जो एक दिमाग काम करता है वो एक प्राचार्य का ही करता है। तो कहने को शब्द बहुत हैं और आपका आभार मैं शब्दों में भी नहीं व्यक्त कर सकती हूँ। अपने भावों पर नियंत्रण करते हुए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हम सबकी ओर से एक धन्यवाद स्वरूप छोटी सी भेंट स्वीकार करने का कष्ट करें। ये पारितोषिक है प्रेरणा स्रोत, जो पूरे विद्यालय की प्रेरणा स्रोत है और एक हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भरने वाली है, न तो स्वयं थकती है और न किसी को थकने देती है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हम सबको यहाँ पर इस विद्यालय में, इस पवित्र भूमि में कार्य करने का अवसर प्रदान किया और सभी की प्रेरणा स्रोत आप रही। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के और लड़कियों, हिंदी में
में बोलने में फनी लगता है, नहीं इंग्लिश में ठीक लगता है बॉयज एंड गर्ल्स. बट थैंक यू वेरी मच रजा, थैंक यू सो मच ऑन अ वर्किंग डे. आई होप यू आर नॉट मिसिंग ऑन कोर्ट, बट फॉर बीइंग हियर टू शो योर सॉलिडैरिटी विद अस, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस. बाकी सभी टीचर्स थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल स्किट, इट वॉज वेरी वेल प्रेजेंटेड एंड एग्जैक्टली वट आई फेल्ट फ्रॉम द हार्ट. एंड ऑल्सो आई लव द प्रिंसिपल, थैंक यू वेरी वेल डन प्रिंसिपल, डिड वेरी वेल एंड निखत यू वेरी नास्टी बट यू आर गुड नास्टी बट वेरी वेल एक्टेड आउट, वेरी वेल डन. एंड ऑल ऑफ यू आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आज के दिन के लिए. लेकिन बस यही है कि अगर माता होती तो देखती ये सब कुछ नहीं है, तो हम उनके बच्चनों में आगे चलेंगे. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल द एफर्ट्स, टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग द स्किट, फॉर क्रिएटिंग द प्रोग्राम. वंस अगेन मेरी अपनी माँ को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर दिस इंस्टीट्यूशन एंड टू टेक देयर लेगेसी फॉरवर्ड. थैंक यू वेरी मच. अपनी माता श्री और हमारी को फाउंडर श्रीमती पीएससी के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगी अगर आपकी अनुमति हो. सबसे पहली चीज़ तो आज सवेरे जब मैं यहाँ आकर बैठी और मैंने इन फूलों को देखा तो मैं एकदम भावभीत हो गई कि मिसेस सिंह को फूल बहुत पसंद बेहद, और शिवनाथ भैया तो इस चीज़ के साक्षी हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से वे रोज शाम को अपने गार्डन को देखती थी और बहुत खुश होती थी फूलों को देख करके. और एक परंपरा थी हमारे घर की कि फूल दान में पूरे समय फूल रहना ज़रूरी होता था. तो जैसे फूल लगाए गए और फिर वो फूलदान अंदर रखे गए, उसके बाद रोज़ सवेरे वो उठ के जाती थी, बाहर वॉक करती थी, हार श्रृंगार के पेड़ से हार श्रृंगार के फूल लेती थी, बेले के फूल लेती थी, उन्हें खुशबू वाले फूल बहुत पसंद थे. और फिर वो एक कटोरी में उसको रखती थी, पानी से भरी हुई कटोरी में, और फिर वो मेरे पिताजी की फोटो के सामने उसको रखा करती थी और उससे पहले पिताजी के साथ बैठ करके हार श्रृंगार की माला बनाया. लेकिन जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लगती थी वो ये लगती थी कि जैसे कोई गुलदस्ता रखा हुआ है जिसमें 5-6-8 दिन हो गए फूल रखे रखे, लेकिन वो अब भी चल रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो. तो मैं ऑफन वंडर करती थी कि ये करती क्या है बैठ के. तो सवेरे मैं देखती थी अपनी कैंची लेकर के सारे पौधों फूलों को निकाल करके फिर एक एक टहनी को काटना या जो खराब पत्ते हैं उनको निकालना, फिर एस्प्रिन की एक आधी गोली पानी में डालना फ्रेश पानी में और फिर वापस उन फूलों को लगाना, ये डेली की उनकी प्रक्रिया होती थी. तो इस तरीके से कुछ फूल जो कि 4 दिन में मुरझा जाए वो उनके 10-10 दिन चलते थे. एक टाइम तो मुझे याद है ऑर्किड एक उनका बहुत फेवरेट फ्लावर था और वो ऑर्किड बेमौसम लगाया गया, लेकिन वो ऑर्किड हमारे यहाँ 21 दिन चला जो उसकी लाइफ नहीं थी. मैं ये आपको इसलिए बात बता रही हूँ कि जैसे कि एक माली होता है अपने पौधों को जीवन देता है और पौधों को बढ़ते हुए देखता है, वो उनको कभी भी सूखते हुए देखना पसंद नहीं करता है. अगर हमारा शीशम का पेड़ सूख जाता है या उसमें दीमक आ जाती है तो शिवनाथ भैया हमेशा कहते हैं कि बचा सकते हैं, इतना काट देते हैं, बाकी को हम हरा कर सकते हैं वापस से. तो ये मैं आपको बात इसलिए बता रही हूँ कि शायद हमारी फाउंडर और हमारी अपनी मेरी माता वो इस बात पर बहुत विश्वास रखती थी कि कोई भी चीज़ हो हर चीज़ में एक ऊर्जा होती है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो, ऊर्जा होना ज़रूरी होती है. और उस ऊर्जा के चलते किस तरीके से उसको पालना है पोसना है बड़ा करना है और किस तरीके से उसको एक फलदारी पेड़ बनाना है या फूल वाला पेड़ बनाना है, ये वो बखूबी जानती थी. और ये एक कला है और ये कला जो है हम सब में नहीं है. आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, मगर ये नहीं कि मैं रोज़ बैठ के फूल की पत्तियों को चुनूंगी और रोज़ में पानी डालूंगी, ये सब मैं नहीं करूंगी. लेकिन उनका ये था कि कोई भी फूल, जैसे कि हाँ जितने भी फूल, तो वो क्या करती प्रोग्राम के बाद फातिमा हॉस्पिटल में खुद जा कर के उनको लेकर के आती या फिर कुछ घर ले जाती, और फिर जो वो घर ले जाती
तो कम से कम 20-25 दिन तो हमारे लिए फूलों को आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं फूलों से वो 20-25 दिन अपने फूलों के साथ डाले। तो ये एक उनकी बहुत खूबी थी और बहुत खासियत थी कि वो एक ऊर्जा में यकीन रखती, और वो मुझसे हमेशा कहती थी अमीर हो या गरीब हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके स्कूल कैंपस के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उसको हर वो चीज़ मुहैया कराएंगी जिससे वो पढ़ लिख करके और बड़ा हो और आगे चल करके उसका फ्यूचर बन सके। इसमें ये नहीं कि वो ड्राइवर का बच्चा है या वो प्रेस वाले का बच्चा है या वो किसी बड़े अधिकारी का बच्चा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ से है कि हर प्राणी को, हर राष्ट्र के हर बंदे को पढ़ाई उसका अधिकार है, तो ये अधिकार हमें हर बच्चे को देना चाहिए। इसीलिए अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट का बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को 3 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक पढ़ना ज़रूरी चाहिए। उसके बाद वो आगे वोकेशनल स्टडीज़ करे या कुछ भी करे, लेकिन बेसिक उसको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। ये उनका विश्वास था, ये उनके पति का विश्वास था, और अब हमारी पीढ़ी में ये मेरा विश्वास है, और अगली पीढ़ियों में जो मेरी बहनों के या बच्चे हैं वो शायद अगली पीढ़ी में इसको लेके आगे बढ़े। तो हॉनर कॉलेज का जो अस्तित्व है वो इस चीज़ से है कि ये एक वो बगिया है जिसमें हर प्रकार के, नाना प्रकार के बच्चे हैं, हर प्रकार के कर्मचारी हैं, हर प्रकार के लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हर उस इंसान को जो इस गेट के अंदर से आता है इस संस्था में इज्जत मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है आत्मसम्मान और इज्जत, वो हर किसी की है। उस पर मेरा राज्य नहीं है कि मैं प्रधानाचार्य हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी इंसान हूँ, नहीं। मैं अपने टीचर्स के साथ में काम करती हूँ, इसलिए आज जो आपने टीम वाली स्किट बना करके दी इट वॉज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हम लोग एक टीम है, और इस टीम के चलते आज जो इनका ये जो हमारा उनकी डेथ एनिवर्सरी है, कहिए तो दुखी दुख का एक पात्र हो सकता है, लेकिन जो इंसान 84 साल की उम्र में जिया और पूर्ण रूप से उसने अपने जीवन को एक लाभदायक जीवन बनाया दूसरों की सेवा में, ऐसे इंसान जिस जो आता है वो जाता भी है, ऐसा इंसान जब जाता है तो वो हमें शिक्षा और एक प्रेरणा लेकर के जाता है। तो ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरी माता है, लेकिन ये मेरी प्रेरणा है कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने स्कूल के बारे में सोचा, जो इन्होंने आगे का सोचा, उसमें एक कि हर बच्चा पढ़े, दो कि जितने लोग इस कैंपस के अंदर आए उनकी उनका आत्मसम्मान हमेशा बना रहे और उसको कभी ठेस ना पहुँचे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। और आज उनके इस डेथ एनिवर्सरी पे मैं ज़रूर थोड़ी भावहीनी हो जाती हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो उन्होंने मुझे सिखाया और जिन पद जिनों पर मैं चलना चाहती हूँ वो शायद सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता के हैं। प्रेरणा देने वाले बहुत लोग हैं, कल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी था परसों, और वो भी मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो सोच जो सबको लेकर के चलती है उस सोच से मैं बहुत प्रेरित हूँ और ये मेरे प्रेरणा का पात्र है। एक बहुत सिंपल सी एक पोएम है जो अंग्रेज़ी में है, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ के कोशिश करूँगी कि मैं उसका अनुवाद हिंदी में करूँ, लेकिन ये मेरी माता की बहुत फेवरेट पोएम थी, जो थी गॉड गिव मी ग्रेस टू एक्सेप्ट विद सेरेनिटी द थिंग्स दैट कैनॉट बी चेंज्ड, करेज टू चेंज द थिंग्स which should be changed, and the wisdom to distinguish the one from the other. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as a pathway to peace, taking, as Jesus did, this sinful world as it is, not as I would have it, trusting that you will make all things right if I surrender to your will, so that I may be reasonably happy in this life. And supremely happy with you forever in the next. Amen. इसका सार ये है कि भगवान हमको वो शक्ति दे कि जो चीज़ है उसको मैं कबूल कर सकूँ, उसको मैं एक्सेप्ट
और जो नहीं है, जो नहीं है उसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँ और उसका उसके लिए मेरे अंदर एक करेज हो, एक हिम्मत हो कि मैं उसको बदल सकूँ और जो बदला नहीं जा सकता है उसको छोड़ दूँ। लेकिन जो बदल सकते हैं और जो नहीं बदल सकते हैं उसके बीच में जो अंतर है उसको समझ सकते हैं। हर दिन को एक दिन की तरह लेकर चलो। आज ये समय, ये मोमेंट सबसे ज़रूरी है और उस समय में, उस क्षण में जितनी भी खुशी मैं देख सकूँ उस खुशी को मैं लूँ और बांट सकूँ। और अगर मेरी ज़िंदगी में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरी ज़िंदगी, जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये मुश्किलें हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मुश्किलें भी ज़िंदगी में आएंगी और यही रास्ता है हमारी शांति की तरफ। जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन मुसीबतों का सामना किया, वैसे हमें हमारे अंदर में वो शक्ति हो कि हम इसका सामना कर सकें और ये विश्वास हमें उस प्रभु में रहे कि जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हम उसकी इच्छा में अपने को लीन कर लें, जैसे ऊपर वाले की इच्छा उसमें अपने को लीन कर लें, ताकि हम इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में हम अच्छे से जिएं और जब हम उस ज़िंदगी में जाएं तो भी हम अच्छे से जी सकें। जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, अक्सर मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि जो मन की हो तो बहुत अच्छा, सॉरी जब जो मन की हो वो अच्छा, जो मन की ना हो वो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर अपने मन की नहीं है तो वो परम परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए वो सबसे उत्तम, अपने मन की हो तो उत्तम, अपने मन की ना हो तो भी उत्तम, लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो जो सबसे उत्तम है वो ऊपर वाले की इच्छा है जिसके साथ हमें चलना चाहिए। तो ये आज के लिए मुझे लगता है, मैं अपनी माता के साथ में बहुत अटैच थी क्योंकि मेरा रोज़ का उनके साथ उठना बैठना और आना जाना, और मैं टेक्निकली वो मेरी बॉस थी तो उनके अंडर मैं काम भी करती थी, इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि अगर अपने घर में ही मुझे प्रेरणा मिलती है तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आज यहाँ जितने लोग हैं, खास करके जो हमारे चतुर्थी श्रेणी के लोग हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी माँ ने और यहाँ की सह संस्थापिका ने ये इज्जत हमेशा अपने चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपनी नॉन टीचिंग स्टाफ को हमेशा दी कि वो किसी से कम नहीं। टीचर्स एक तरफ हैं जो स्कूल चलाते हैं, लेकिन आज के दौर में जो ये पैंडेमिक का दौर हुआ और ये अचानक हमारी ज़िंदगी का शायद एक यादगार समय होगा, जो आज भगवान करे 100 साल बाद आए या ना आए, लेकिन जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है, जो मेरा अपना स्वयं का मानना है, टीचर्स का चलिए वो पढ़ा रहे हैं पर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो अपने आराम से बैठ करके किसी भी समय बैठ करके अपना कर सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ, ये जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, मेरे इंचार्जेस, मेरा इंटायर ऑफिस स्टाफ, मेरे चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी, मेरे फीस डिपार्टमेंट के लोग, मेरे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोग, इन लोगों ने असल में ये स्कूल इन दिनों चलाया है। मार्च से लेकर के और आज तक मैं इनकी ऋणी हूँ, ये स्कूल इनका ऋणी है कि अगर मैंने सबकी तनख्वाह दी है, टाइम से दी है, ये काम किए हैं, तो ये इन सब की मेहनत से, इन सब की लगन से। और मैंने देखा कि इन 6 महीनों में इन लोगों ने मात्र शायद एक दिन की या 2 दिन की छुट्टी ली होगी, किसी ने भी छुट्टी नहीं ली है, सब आए हैं। राकेश रोज़ 7 बजे आ जाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आज का दिवस ये बहुत ही, वैसे हम हर साल इसको मनाते हैं, लेकिन सन 2020 में ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये दिवस वो दिवस है जिस दिवस में
मैं अपने सारे मैनेजमेंट की तरफ से, मेरे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं, सबकी तरफ से अपने इस स्टाफ को, मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ को और अपने चतुर्थी श्रेणी के स्टाफ को नमन करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मुसीबत के टाइम पे इतनी मेहनत करी है। सब कुछ ऑनलाइन गया है, इसमें हिमांशु ने भरसक प्रयास किए हैं, अंसारी ने भरसक प्रयास किए कि सब ठीक से चलता रहे, मिस्टर सौरभ बराबर आते रहे कि ये हमारे काम चलते रहे। तो मेरा मानना ये है कि ये समय जो है, ये जो 6 महीने हैं और आगे जब तक भी रहेंगे, ये टाइम रहेगा, तब तक के लिए ये स्कूल का संचालन इन लोगों ने, यानी आप लोगों ने किया है। और आप, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ, संस्थापकों की तरफ से, जितने भी हमारे मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से और स्वयं मेरी तरफ से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अकेला आदमी चल तो पड़ता है लेकिन उसको साथी हमेशा चाहिए होता है। और आप सब ने मेरे दाएं बाएं हाथ का काम दिया है, इसमें मैं किसी एक इंसान को श्रेय दूँ तो वो भी ठीक नहीं होगा, इसलिए ये सारे गिफ्ट्स आज आए हैं। लेकिन मैं अपनी माता को नमन करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया कि मैं राष्ट्र की तरफ, मैं स्टेज की तरफ, मैं सरकार की तरफ, मैं इस प्रांत के लोगों की तरफ कुछ थोड़ी सी सेवा कर सकती हूँ, एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जो कि बहुत बड़ा माध्यम है। आज हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें 3 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से एजुकेशन देने की बात करी गई है। और ये जो शिक्षा नीति है, यही नीति मैंने अपनी माँ से सीखी, तो मेरे लिए RDE कोई नई बात नहीं, मेरे लिए नई शिक्षा नीति कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये जिस दिन से ये स्कूल की स्थापना हुई, यही नीति हम लेकर के चल रहे हैं कि हम सब एक प्रांत के लोग हैं और हम सब ही लोगों को शिक्षा हमारा परम अधिकार है और वो हमें मिलना चाहिए। ये कोट किसी और का है, शिक्षा शब्द मैंने बीच में डाल दिया है, ठीक है। ये था आज़ादी हमारा जनसिद्ध अधिकार है और हम उसको पाके रहेंगे। इसी प्रकार से शिक्षा हमारा जनसिद्ध अधिकार है और हम उसे दे के रहेंगे। तो ये हॉटल कॉलेज का एक मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र के चलते आप सभी लोग ने ये हमें पूरी एक कॉन्फिडेंस दिया कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन की शिक्षा उतनी ही वैल्यूबल है और उतनी ही इफेक्टिव है जितनी ऑफलाइन की थी। और हमारी टीचर्स ने और हमारी इस इंचार्जेस की टीम और इंस्पेक्शन की टीम ने ये कर दिखाया है कि किस तरीके से शिक्षा अगर हम करने को चले, देने को चले, तो हम पूर्ण रूप से दे सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस गो अहेड विद द अवार्ड सेरेमनी एज वेल एज गिविंग टू आर ऑल आर नॉन टीचिंग एंड फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज। आप ये मान करके चलिए कि आपका योगदान बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ और आप सभी को नमन करती हूँ। आप सब मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी, जैसे कि मैं एक कर्मचारी हूँ इस संस्था की, आप सब मेरे सह कर्मचारी हैं और मैंने कभी आप अपने को आपका बॉस नहीं माना है। शायद मैंने कभी किसी के सर पे खड़े होकर आज तक काम नहीं करवाया है, मेरी आदत में नहीं शुमार है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान अपने कार्य में पूर्ण रूप से इंटेलिजेंट है और कर सकता है, उसके लिए मुझे किसी के सर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादी आपकी है, तो ये आप एक आज़ाद स्कूल में हैं और आप सब मेरे सह कर्मचारी हैं। तो मेरे सह कर्मचारियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने ये स्कूल चलाने के लिए आपका